एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब ये जो शेड्यूल ट्राइब है ये बाइफरकेट हुआ था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो कमीशन पहले एक ही था उससे बाइफरकेट हुआ 2004 में, और बाइफरकेट होने के बाद इसके फंक्शंस क्या क्या बने कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के। पहला इसका फंक्शन था टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर जितने भी मैटर्स हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन करना और उनको मॉनिटर करना। नंबर टू, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, जो उनके ऊपर स्पेशल कंप्लेंट्स आती हैं उसकी उसको ध्यान में रखना, उसके सेफगार्ड्स प्रोवाइड करना। थर्ड, टू पार्टिसिपेट एंड टू एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एसटीज। एसटीज की डेवलपमेंट के लिए जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लानिंग की जा रही है उसको में पार्टिसिपेट करना। फिर सारी एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम भेजना, रिपोर्ट्स पर रिकमेंडेशंस देना, इसके अलावा जो टाइम टू टाइम उनके लिए जो करने वाली चीज़ें हैं वो करना, उनके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना, उनके रिहैबिलिटेशन के ऊपर ध्यान देना, ये सारे इसके फंक्शंस में आता है। इसके अलावा इसके जो वर्किंग है उसमें वो क्या क्या कर सकते हैं, वही सेम एससीज वाले वर्किंग है, समन्स भेजना, एनफोर्स करना, अपने विटनेस को एग्जामिन करना और डिस्कवर करना, नए नए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको की पेशी करवाना, एफिडेविट्स पर एविडेंसेस मांगना, किसी भी चीज़ की पब्लिक रिकॉर्ड की कॉपी मांग लेना, एंड विटनेस और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिनेशन करना, क्रॉस एग्जामिनेशन करना, एक सिविल कोर्ट की तरह इनकी पावर होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कमीशन फॉर एसटी। तो एससी एसटी दोनों में से कुछ भी आ जाए सेम पावर सेम फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि 2004 में बाइफरकेट हुआ है, बस ये पहले एक बॉडी थी अब ये दो बॉडीज में कन्वर्ट हो गए हैं, तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, जो चीज़ एससी में आएगी वही चीज़ एसटी में आएगी, आपको एससी आ जाए एसटी आ जाए सेम आंसर लिख दीजिएगा, बस जहां जहां आप एससी लिख रहे हैं वहां वहां आप एसटी लिख लीजिएगा, तो सेम आंसर है इसका। तो नो नीड टू वरी, आराम से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर 10 मार्क्स। थैंक यू।